बड़ी मेहनतें की हैं आज के मुशायरे को सजाने में संवारने में, वो हैं जनाब अफरोज आलम साहब, हाफिज जुनेद सालम, मोहम्मद सादिक, रियाजुल हक, अब्दुल रहीम, नफीस अहमद, जावेद अहमद। आज के हमारे मुशायरे के जो मेहमान खुसूसी हैं, जो डाइस की रौनक बनेंगे आज की रात, जनाब इरफान अंसारी साहब मिंबर, जनाब अख्तर हसन साहब मिंबर, जनाब मोहम्मद अजमल साहब मिंबर, जनाब मोहम्मद अजहर साहब मिंबर, जनाब हाजी मोहम्मद लुकमान साहब, जनाब डॉक्टर नसीम साबिक प्रधान जहानागंज, जनाब यूनिस प्रधान जहानागंज, जनाब मौलाना मोहम्मद अंजर कासमी साहब मिंबर, जनाब मोहम्मद अंजर साहब, जनाब नजर आलम साहब, जनाब अबू साद अंसारी साहब, जनाब नियाज अहमद साहब मिंबर। इन तमाम लोगों का शुक्रिया जो आज के कमेटी के शाना बशाना आकर के इनकी मेहनतें रही हैं, जो आज के नौजवानों को हौसला मिला है और उन्होंने नातीय मुशायरे का आगाज किया है। सामने निगरान, अब यहां से आपको मुशायरे के हवाले से जोड़ना चाहता हूं। आइए आगाज महफिल उस खल्लाक आजम के नाम से, जिसने इजहार के दरवाजों को खोला और समाज के दरवीजों को अगवा किया। आते हैं गैब से मजामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाइश रूस से। इन्हें कादिर मुशायरा उस कादिर मुतलक के नाम से, जो हर्फों का खालिक है, लफ्जों का मालिक है, तहरीरों का परवरदिगार है। एक इशारे से चलती है सब उंगलियां, एक इशारे पे चलती है सब उंगलियां, हर्फ उसकी नहीं जिसकी तहरीर है। मुशायरे की शुरुआत अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से, जिसने इकरा के नामे से लोहो कलम को मुकद्दस रकम और मौज़म कर दिया। ये मुश्किल थी वरना मानियो तफीफ की नमूद, ये खामे तिलिस्म पोशा पीयूसी का है। सामिन इकराम, अब आइए उसके हुजूर में मुनाजात पेश करने के लिए एक शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ। यहाँ से अब आपका मिजाज देखना चाहता हूँ कि आप शायरी और नातिया शायर सुनते कैसे हैं। पहले एक बात आपको बतला दूँ, जो लोग खड़े हैं भाई, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग आगे बैठ जाएंगे, ऐसे कब तक आप खड़े रहेंगे। आज का नातिया मुशायरा इंशाल्लाह बहुत ही तारीख के साथ अपनी तारीख खत्म करेगा आज जहानागंज का जो नातिया मुशायरा है, जो शुरा ग्राम की फहरिस्त, जो इश्तहार के जरिए जो शुरा आपके दरमियान पहुंचे हैं, नाम पहुंचा है, और एक बाद दिखे तमाम शुरा को आपको सुनने का मौका मिलेगा। बड़े मेहरबानी जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए भाई, मैं आपका मेहमान हूं। हालांकि जहानागंज में इससे पहले भी मेरी हाजिरी हो चुकी है, आज फिर मैं आया हूँ आपके दरमियान में, तो इससे पहले भी ऐसे बैठाना पड़ता था। आप लोगों को बारह दस्तबस्ता हमने गुजारिश की थी कि भाई बैठ जाए, तो आज वही माहौल है। अभी आप चंद लोग जो खड़े हैं भाई बैठ जाए, कहीं अच्छा सा मोहल्ला देख के, कई मोहल्ले बने हुए हैं, किसी मोहल्ले में आप बैठ लें, बस नातिया मुशायरे का यहाँ से साथ देता कि जो बच्चों ने जो मेहनत किया है आज की रात नातिया मुशायरे को सजाने के लिए, उनकी मेहनत रायगा न जाए, कामयाब हो जाए मुशायरा। आइए, आमाल हमारे हैं इनाम खुदा देगा, आमाल हमारे हैं इनाम खुदा देगा, नेकी पे जजा देगा, गफलत पे सजा देगा। कहें सुभान अल्लाह। देखिए, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तो शायद कि खुराक क्या है, आपकी दाद है, आपकी जो दुआएं हैं वो शायद के लिए सबसे बड़ी खुराक है। अगर आप सुभान अल्लाह कह देंगे तो आपके भी नामाए अमल में निकिया लिखी जाएगी, सवाब के मुस्तहिक होंगे, तो शायर का हौसला बढ़ जाएगा, और शायर का हौसला जब बढ़ेगा कुछ शेर और सुनाने की वो कोशिश करेगा। तो सामने कराम एक बार फिर से एक बार कहें बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मासूम बच्चे भी जाके नहीं जाग जाएंगे सब लोग। मैं आपसे कहा था कि आमाल हमारे हैं इनाम खुदा देगा, नेकी पे जजा देगा, गफलत पे सजा देगा। आइए एक शायर के हुजूर आपके लिए चलता हूँ, वहीं से आपका मूड बन जाएगा नातिया शायरी सुनने का, नातिया अशआर सुनने का। आइए उसके हुजूर मऊ की सनदी सरजमीन के लिए चलता हूँ, वहां से हाशिम नवेद से मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ कि यहाँ से बाकायदा नातिया शायरी का आगाज करें कि हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। अच्छा सुन के बतलाइएगा, तो कई ऐसे अशआर हैं जो आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, कुछ तो उनकी जुम्बिशे लब से रिहा हो जाएंगे, कुछ गुनहगारों को कमली में छुपाया जाएगा। हजरत हसन की हमसायगी के वास्ते, हजरत हसन की हमसायगी के वास्ते नाथ खानों को बड़ी इज्जत से लाया जाएगा।